नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बॉयकॉट बॉलीवुड, इस समय ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से छाया हुआ है। चाहे फिर वो बात हो लाल सिंह चड्ढा मूवी को लेकर, या फिर अब अक्षय कुमार की मूवी जिसमें वो मुख्य किरदार निभा रहे हैं, रक्षाबंधन, जो कि 11 अगस्त को रिलीज होगी। हालांकि ये दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होंगी, लेकिन जिस तरह से जनता इन दोनों मूवीज का बहिष्कार कर रही है, तो कहीं ना कहीं उससे आमिर खान सकते में दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए लाल सिंह चड्ढा को लेकर, अब आमिर खान की तरफ से एक चैनल पर आकर अपील की गई कि मेरी मूवी देखिए, उसे बॉयकॉट मत कीजिए। तो यहां पर अब सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के ट्रेंड, अलग अलग तरह के हैशटैग आ रहे हैं, ना ही सिर्फ अक्षय कुमार की मूवी रक्षाबंधन को लेकर, सिर्फ आमिर खान को लेकर, बल्कि इसमें करीना कपूर खान का भी जो है नाम खुलकर के सामने आ रहा है। दरअसल कुछ समय पहले करीना कपूर खान की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया था, और जब उसमें उनसे कुछ सवालात किए जा रहे थे ऑडियंस को लेकर के, तो उस समय करीना कपूर खान ने बोला था कि ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो मत जाइए आप मूवी देखने, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो यहां पर अब लोग उस वीडियो को लगातार वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ये लिख रहे हैं कि ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे इनकी मूवी देखने और पूर्ण रूप से इनकी मूवी का बहिष्कार करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस स्टारडॉम को लेकर के ये अभिनेता आजकल जो है इतनी डोमिनेंस अपनी दिखाते हैं, आप मत भूलिए कि इसी देश की जनता ने आज आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। इतना प्यार सम्मान आपकी मूवीज को, इस इंडस्ट्री को यहाँ की जनता ने किया है कि जिसकी बदौलत आज आप इस मुकाम पर बैठी हैं कि जा करके जो है आप किसी टीवी चैनल में या किसी भी मीडिया चैनल में आप जाकर के इंटरव्यू दे रही हैं, और वहां पर ऐसे शब्दों का उपयोग करना लोगों के लिए, उस जनता के लिए जो सुबह शाम दिन रात आपको प्यार करती है, खुद के जो है बिजी शेड्यूल से समय निकालकर जाकर के आपकी मूवीज देखती है, और अब उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि ठीक है मत जाइए मूवी देखने, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, तो अब आपकी बात लोगों ने मान ली है, और लगातार लोग इस चीज को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि ठीक है हम नहीं जाएंगे इनकी मूवी देखने। और इस बीच अभी जो दो ट्रेंड्स चल रहे हैं, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा और बॉयकॉट रक्षाबंधन मूवी, उसके बारे में आपको बता दें कि आमिर खान इस समय लोगों के निशाने पर हैं। जिस तरह से पिछले कुछ शोज में वो विवादों में रहे हैं, पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रहे हैं, चाहे फिर वो बात हो एक उनके शो में जब टीवी चैनल पर आकर के उन्होंने शिवजी के लिए, शिवलिंग के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग किया था, तो कहीं ना कहीं उस समय देश में एक ज्वाला भड़की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया था। और अब उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये मूवी देखने नहीं जाएंगे, बल्कि उस मूवी की टिकट के पैसे से हम गरीबों को दान देंगे, या फिर किसी को दूध की थैली देंगे। तो जो आमिर खान की तरफ से प्रतिक्रिया कुछ सालों पहले दी गई थी, अब लोग जो है उसी प्रतिक्रिया का अपने हिसाब से जो है, अपने नज़रिए से जो है जाहिर कर रहे हैं कि हम किस तरह से बहिष्कार करेंगे आमिर खान की इस मूवी का। तो वहीं बात की जाए अक्षय कुमार की मूवी रक्षाबंधन की, वो भी विवादों में है, क्योंकि उस मूवी की लेखिका कनिका डिल्लोन वो पिछले एक लंबे समय से विवादों में रही हैं। अगर बात की जाए कनिका डिल्लोन की, तो उनके पुराने ट्वीट सब वायरल हो रहे हैं, और इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर उन्होंने 17 ट्वीट डिलीट किए हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, क्योंकि चाहे फिर वो भगवान राम की बात हो या फिर गौ माता की बात हो, गौ माता को लेकर लगातार कनिका डिल्लोन की तरफ से इस तरह के ट्वीट किए गए जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। तो अब लोगों का ये कहना है कि ऐसे लेखक जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं, हम उनकी मूवीज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, हम उनकी मूवीज देखने नहीं जाएंगे, और इस तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि हम रक्षाबंधन देखेंगे नहीं, मनाएंगे। दरअसल उनकी मूवी का नाम ही रक्षाबंधन है, इसलिए लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम रक्षाबंधन देखेंगे नहीं, मतलब हम रक्षाबंधन के दिन जो ये मूवी रिलीज हो रही है हम उसको देखेंगे नहीं, बल्कि हम घर में रह करके अपनी बहनों के साथ, भाई बहन का जो ये त्योहार है, पर्व है रक्षाबंधन का, बल्कि उसको मनाएंगे। तो बॉलीवुड के लिए यहां पर खतरा मंडराता हुआ, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो पहले इस तरह की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देते हैं, इस तरह के पोस्ट डालते हैं जिससे एक धर्म विशेष की भावनाओं को जो है आहत पहुंचती है, और अब उसके बाद जब लोग इस चीज का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, और
उसके बाद किस तरह से इन ट्वीट्स को डिलीट करने का सफाई से काम किया जाता है, लेकिन लोग उस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं। और अब ये भी वायरल हो रहा है कि आपको जितने ट्वीट डिलीट करने हैं कर लीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल युग है। जो भी आपकी तरफ से पोस्ट किया गया था हमारी गौ माता को लेकर के और भी इस तरह के जो आपत्तिजनक ट्वीट आपने किए थे, उन सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया गया है। तो यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार लाल सिंह चड्ढा के लिए, रक्षाबंधन मूवी के लिए। और लाल सिंह चड्ढा पहले से भी विवादों में रही है। दरअसल इसकी जब शूटिंग के लिए आमिर खान तुर्की गए थे तो वहां पर वहां की फर्स्ट लेडी से जाकर के वो मिले थे, और अमीन अर्दोगान जो वहां की फर्स्ट लेडी हैं वो लगातार भारत विरोधी बातें करती आई हैं, हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई दिखाई दी हैं, चाहे फिर वो कश्मीर के मुद्दों को लेकर के। और यहां पर ये चीज समझ नहीं आती, कश्मीर जो कि 1947 जब से देश आजाद हुआ है भारत का अभिन्न अंग रहा है, उसको लेकर किस हिसाब से लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। तो फिर ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ जब आमिर खान मिलते हैं तो देश में जो है एक नया विवाद खड़ा होता है उनको लेकर, जो लगातार 370 जो कि हमारे देश का अंदरूनी मामला है उसको लेकर तुर्की कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो फर्स्ट लेडी कहती है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि तुर्की की तरफ से कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको भी फंडिंग की जाती है। तो ऐसे लोगों से जब आमिर खान मिलते हैं तो एक जो बड़ा उनका फैन बेस है वो उससे नाराज होता है, हताश होता है। और यही एक मुख्य कारण है कि आमिर खान लगातार विवादों में गिरते हैं और अब उनकी मूवीज का बहिष्कार हो रहा है। इससे पहले जो उनकी मूवी आई थी 4 साल पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। और अब बारी यहां पर दिखाई दे रही है लाल सिंह चड्ढा की। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं, थिएटर हॉल के बाहर जो है लोग आकर के जो है मैसेज दे रहे हैं कि ये मूवीज हम नहीं देखेंगे, इससे अच्छा हम जो है किसी को दान करेंगे, खाना दान करेंगे और रक्षाबंधन को जो है अच्छे से उस त्यौहार को मनाएंगे। और वहीं अगर बात की जाए इस मुद्दे को लेकर, पहले भी आमिर खान की मूवी पीके को लेकर काफी विवाद रहा है, किस तरह से उसमें हिंदू देवी देवताओं को पोर्ट्रे किया गया। आप उस मूवी को ध्यान से देखेंगे तो उसकी अगर तुलना की जाए तो किस हिसाब से हिंदू देवी देवताओं के साथ जो है जिस तरह की वहां पर चीजें दिखाई गई थी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के समाज सेवक ने भी एक वीडियो बना करके इस मूवी का बहिष्कार करने को बोला है, जिसके बाद एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और उसमें कहा जा रहा है कि जो है मूर्ख करैक्टर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है आमिर खान की तरफ से। लगातार वो अपनी मूवीज में इस तरह की हरकतें करते आए हैं, जहां पर कहीं ना कहीं बार बार एक ही विशेष रूप से एक धर्म को टारगेट किया जाता है, ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि ये लोग मूर्ख हैं। और इसको लेकर के पीके मूवी को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि किस तरह से आमिर खान ने उस मूवी के अंदर जिस तरह से दृश्य दिखाए गए कि एक जगह पर वो टॉयलेट कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है उनका सूटकेस वहां पर दिखाया जाता है, जिसका कोई वहां पर औचित्य नहीं बनता था दिखाने का, क्योंकि उस पर हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर लगे हुए थे। और भी इस तरह के तमाम जो है विजुअल्स उस पीके मूवी में दिखाए गए, जिसके बाद लोगों ने जो है काफी दूरी बना ली थी इस मूवी से, और इस मूवी का भी काफी बहिष्कार हुआ था। वही हाल होता अभी लाल सिंह चड्ढा का दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है, 11 अगस्त को रिलीज डेट है, लेकिन इस समय कोई हताश दिख रहा है तो वो आमिर खान हताश दिख रहे हैं। और उनको जो है टीवी पर आकर के ये बताना पड़ रहा है कि उनको भारत से प्यार है। दरअसल ऐसी नौबत ही क्यों आई? अगर आप इस देश से प्रेम करते हैं, कोई भी आकर के जो है आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा इस देश से प्यार करने का। लेकिन क्योंकि इस तरह की हरकतें रही हैं, इस तरह की बातें पहली की गई हैं, चाहे फिर वो बात हो कनिका ढिल्लों की, वो लिंचिस्तान बताती आई हैं इंडिया को, और आमिर खान की अगर बात की जाए तो वो भी एक शो में आकर के बोले हैं कि पहले की बात है कि जब उनकी बीवी ने उनको कहा कि हमें जो है इंडिया में नहीं रहना चाहिए, इंडिया सेफ नहीं है, हमें किसी और जगह चले जाना चाहिए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो सोच, वो मानसिकता दर्शाती है आपको। और लोग अब सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि आप जाकर के तुर्की में ही इस मूवी को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, अगर तो आप यहाँ के दर्शकों के पैसों से खरीदी हुई टिकट से क्यों आप अपना घर चलाना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ इस देश से इतनी नफरत है। तो इस तरह के तमाम जो है सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आप देखेंगे। बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, इस तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। और
जैसे मैं कनिका ढिल्लों की बात कर रहा था, गो माता को लेकर के उन्होंने इतनी अपमानजनक बातें कही हैं, तो अब लोग इस चीज़ का विद्रोह कर रहे हैं कि हम इनकी मूवीज़ नहीं देखेंगे। दरअसल कनिका ढिल्लों ने अभी जो ट्वीट डिलीट किए हैं, एक ट्वीट उन्होंने कुछ समय पहले किया था जब डोनाल्ड ट्रंप US के राष्ट्रपति थे, और उसमें लिखा गया था कि यहाँ पर गो माता जो है अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, उनको जो है अमेरिका चले जाना चाहिए, वो वहाँ पर ट्रंप के जो है शासन में भी विवश होकर रह जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इंसानियत ही नहीं है लोगों में, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए गो माता यहाँ से जाना चाहती है। तो अब यहाँ पर लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों में अगर इंसानियत नहीं है, भारत के लोगों में अगर इंसानियत नहीं है, भारत के लोग अगर अच्छे नहीं है, तो आपको अपनी मूवी, जिस मूवी का लेखन आपने किया है, वो यहाँ पर रिलीज़ क्यों करनी है? आप जाइए, आप इसको जा करके दूसरे देशों में ही रिलीज़ कीजिए, यहाँ की जनता से मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसे ऐसे शब्द बोलने के बाद, हमारी गो माता के लिए इस तरह की बातें करने के बाद आपको यहाँ की जनता जो है इतना प्यार सम्मान देगी, आपकी जाकर के मूवीज देखेगी, क्योंकि आपको तो भारत देश के अंदर इंसानियत दिखती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगातार बॉलीवुड की मूवीज को बॉयकॉट किया जा रहा है। अगर इसी की तुलना में देखा जाए, हाल ही में रॉकेटरी मूवी रिलीज हुई, जिसमें बताया गया कि किस तरह से देश के साइंटिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, इसरो को आगे बढ़ाने में इतना अच्छा काम किया हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, कि आज के दौर में हम नासा तक जो है कम्पीट कर पा रहे हैं हमारे साइंटिस्ट की बदौलत। तो इस तरह की मूवीज़ लोग जो है देख रहे हैं, चाहे फिर वो बात हो साउथ इंडियन मूवीज़ की, क्योंकि उसमें हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति रही है, उसको दर्शाया जा रहा है कि कैसा हमारा इतिहास रहा है, और किस तरीके से बॉलीवुड में लगातार ऐसी शिकायत आती रही है कि हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, और यही एक मुख्य कारण है कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है लगातार डाउनफॉल में जाती जा रही है। और वहीं कश्मीर फाइल्स के जो निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री, वो भी लगातार बॉलीवुड पर निशाना साधते आए हैं, चाहे फिर वो बात हो जब ताशकंद फाइल्स वो मूवी लेकर के आए थे, जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री, उनकी कैसे ताशकंद में हत्या हो जाती है, ऐसी स्थिति में जो है उस पर कोई इंक्वायरी भी नहीं बैठती कि किस तरह से वहाँ पर रहस्यमय कारणों से उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह का कंटेंट उन्होंने ला करके जो है दर्शकों के बीच में ये बताया कि क्या क्या चीज़ें उस समय हुई थी, कैसे कैसे इफेक्ट उस समय हो सकते थे, कि किन किन कारणों से उनकी मौत हुई हो सकती है, और कश्मीर फाइल्स में उन्होंने किस तरह से कश्मीर के अंदर जो नरसंहार हुआ 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ, उसको दिखाया। तो लोग इस तरह की मूवीज़ को पसंद कर रहे हैं, और बहिष्कार उन मूवीज़ का हो रहा है जिसमें ऐसे लेखक हैं जिनकी सोच जो है एक तरफा है, और बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर रह कर के ही भारत को गाली देने का काम उन्होंने किया है, ऐसी बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी मूवीज़ का अब बॉयकॉट चल रहा है। और अब जो बातें आपकी तरफ से टीवी पर कही गई, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणियां आपकी तरफ से की गई, अब उसका हर्जाना जो है आपको भुगतना पड़ रहा है, लोग जिस तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, जो लगातार बॉलीवुड में इस समय खलबली मची हुई है, ये ट्रेंड बॉयकॉट करने का ट्रेंड इस समय चल रहा है, चाहे फिर वो लाल सिंह चड्ढा हो या फिर रक्षाबंधन मूवी हो, इस पर आपके जो भी विचार हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।